भारत और स्पेन के बीच आज नई हवाई साझेदारी की नींव डली। हवाई इसलिए कि स्पेन की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस ने भारत के गुजरात के बड़ौदा शहर में सैनिक विमान C-295 बनाने की असेंबली यूनिट की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बड़ौदा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। भारत और स्पेन के बीच हुई साझेदारी से कितनी ऊंचाई पर जाएंगे दोनों देशों के व्यावसायिक रिश्ते, देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी पहली भारत यात्रा है। G20 समिट में हम सब ने आपकी कमी महसूस की कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर गुजरात के वडोदरा में एयरक्राफ्ट बनाने वाली प्राइवेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यहां से तैयार होकर विमान आसमान में उड़ान भरेंगे और इसी फैक्ट्री में स्पेन की कंपनी एयरबस के C-295 एयरक्राफ्ट तैयार होंगे। आज भारत ने एयरबस कंपनी से 56 C-295 एयरक्राफ्ट की डील की है। इस डील के मुताबिक 16 एयरक्राफ्ट तो तैयार हालत में मिलेंगे और बाकी के बचे 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही तैयार होंगे। अब तक भारत को 5 एयरक्राफ्ट मिल भी चुके हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि C-295 विमान प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी इंपोर्ट कम होगा और भारत में ज्यादा उपकरण तैयार होंगे। माना ये भी जा रहा है कि इससे करीब 3,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, 15,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा, और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। एयरबस विमान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एविएशन सेक्टर पर आज एयरबस का ही कब्जा है। यही कंपनी भारत के वडोदरा में टाटा के प्लांट में C-295 एयरक्राफ्ट तैयार करेगी। ये मौका इतना खास है कि खुद प्रधानमंत्री ने भारत के अनमोल रतन को भी आज याद किया। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। दरअसल ये समझौता एयरबस और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान हुआ था। टाटा ग्रुप भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का सरताज माना जाता है। ऐसे में आज इस डील से एक और तस्वीर पेश हुई। भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत का स्थान और भी मजबूत हुआ है। So, if Indian companies want to grow, believe me, they can trust Spain. औरों के लिए ये मात्र एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके आगे की सोच रखते हैं। पहली बार देश में कोई निजी कंपनी सेना के लिए प्लेन बनाने जा रही है और इसी के साथ उनकी तैयारी भारत और स्पेन के संबंधों को जोड़ने की भी है, और इसका पहला अध्याय C-295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लिखा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ये पहला मौका है जब कोई बड़ी विमान कंपनी भारत में अपने प्लेन बनाने की शुरुआत कर रही है, और वो भी सैनिकों के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान। आने वाले दिनों में एयरबस अपने सवारी विमान भी भारत में बनाने की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि भारत की विमान कंपनियों ने एयरबस को विमानों के बड़े बड़े ऑर्डर दिए हुए हैं।